गुड आफ्टरनून क्लास, आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है आप लोगों को? तो चैट बॉक्स में यस लिख दो। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं क्लास। हम पढ़ने वाले हैं जो रिमेनिंग हमारा चैप्टर सेकंड रह गया था सोशल फार्मेसी का, वो जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, उसमें थोड़े दो चार टॉपिक्स रह गए। मैं शेयर कर रही हूँ स्क्रीन, अगर स्लाइड विजिबल है। स्लाइड विजिबल है? हाँ ठीक है, बाकी डाउट जो भी है नोट डाउन कर लेना, क्लास के बाद डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं हम क्लास को। तो सेकंड चैप्टर में हम प्रिवेंटिव हेल्थ केयर चैप्टर पढ़ रहे थे, कल हमने ब्रेस्ट फीडिंग लास्ट टॉपिक करा था। उसके बाद इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या होता है बेसिकली? इट रेफर्स टू द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द होस्ट टुवर्ड्स एनी इंजरी कॉज्ड बाय एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट एंटर्स इन द बॉडी। अब मेरे शरीर में मानो कोरोना आया, कोरोना वायरस आया मेरे शरीर में, अब ये मेरे शरीर पे क्या करेगा? अटैक करेगा, हमला करेगा। अब मेरे को इससे बचने के लिए जो मेरी बॉडी काम करेगी, जो भी काम मेरी बॉडी करेगी इससे बचने के लिए कोरोना से, कि मुझे बीमारी ना लगे, उसे बोलते हैं इम्यूनिटी। ठीक है, तो इट रेफर्स टू द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है? रुकावट। ये रुकावट है बेसिकली जो कि होस्ट यानी कि मैं, ठीक है, मेरे द्वारा, मेरी बॉडी के द्वारा रोकथाम किसी भी चीज पर, जब भी कोई इंजरी हो जाए, ठीक है, या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेरी बॉडी में एंटर हो जाए, तो उसके अगेंस्ट मेरी बॉडी जो चीजें करेगी उसे रोकने के लिए उसे इम्यूनिटी बोलेंगे। ठीक है, सिंपल। दो तरह की इम्यूनिटी होती है हमारी, इननेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नेटिव और एडेप्टिव भी बोलते हैं, नहीं याद रहता जाने दो, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। दो चीजें हैं, इननेट और एक्वायर्ड। इननेट क्या है? नाम से याद रखेंगे, इन मतलब अंदर, यही होता है, अंदर ही बोलते हैं इसको। ठीक है, तो अंदर मतलब आप याद रखेंगे कि बाय बर्थ, कि आपके अंदर ही थी ये, जन्म से ही आपके अंदर है ये इम्यूनिटी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है इसके लिए। दूसरी होती है एक्वायर। एक्वायर जो आप लाइफ टाइम, ये पॉइंट्स मार्क करके रख लीजिए, ये वर्ड अगर आप आगे लिखोगे तो आपको याद हो जाएगा कि इसमें क्या लिखना है आपको, फिर आपको बुक भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इननेट मतलब इन मतलब अंदर, मतलब बाय बर्थ, पैदा होते साथ ही ये इम्यूनिटी आपके अंदर है, इसमें कुछ आपको एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ रहा। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में आ जाता है जो आपको लाइफ टाइम गेन करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल ले यहाँ पे, तो इननेट का मतलब है बाय बर्थ, तो दैट मीन्स स्किन है, चमड़ी है, ये कीटाणु को बॉडी के अंदर नहीं जाने देती, हमारे अंदर ऑर्गन्स पे अटैक नहीं करने दे रही, इननेट है। कोई आपने बाहर से बाजार में जाके तो चमड़ी लगवाई नहीं है पैदा होने के बाद, है ना वो। ठीक है, आंखों में आंसू आ जाते हैं, कोई भी चीज आंख में लग जाए, है ना, तो वो क्या है? बाय बर्थ ही है। ये थोड़ी है आर्टिफिशियल डलवाने पड़ रहे हैं आपको, आंसू की टंकी लगवा लो एक, खत्म होने वाली है, ऐसा तो नहीं है। फिर एक्वायर्ड का एग्जाम्पल, एक्वायर्ड है जो आपको लाइफ टाइम मिलेगी। अब जैसे चिकन पॉक्स हो जाता है, माता निकल जाती है आम भाषा में बात करें तो, ठीक है, चिकन पॉक्स कहते हैं, एक बार ही जिंदगी में हो जाए फिर दोबारा नहीं होता, कईयों को हो जाता है, आम है, लेकिन वैसे बोलते हैं चिकन पॉक्स एक बार ही हो गया तो दोबारा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको उससे एक्वायर्ड इम्यूनिटी मिल गई है, ठीक है, आपने गेन कर ली है वो इम्यूनिटी। ठीक है, तो ये है टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। इननेट वही है, रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन दैट इंडिविजुअल पोजेस बाय वर्च्यू ऑफ हिज और हर जेनेटिक्स और कॉन्स्टिट्यूशनल मेकअप। अब इतनी हाईफाई इंग्लिश नहीं याद होती, वैसे तो हो जाए तो बहुत ही बढ़िया कि उनको जेनेटिक्स से मिल रही है, ठीक है, वो जिस चीज से उनका शरीर बना है उससे मिल रही है। आप सिंपली लिखेंगे इननेट इम्यूनिटी वो होती है जो कि बाय बर्थ हमारे अंदर प्रेजेंट होती है, जन्म से ही हमारे अंदर प्रेजेंट होती है। इट इज नॉट अफेक्टेड बाय प्रायर इन्फेक्शन ऑफ एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये कोई इससे लेना देना नहीं है कि इन्फेक्शन होगा फिर उसके बाद इम्यूनिटी आएगी, कोई लेना देना नहीं है, या टीका लगवाओगे फिर इम्यूनिटी आएगी, नहीं जी, ये बाय बर्थ ही है। ठीक है, इट इज क्लासिफाइड एज, एस के भी आगे तीन चार है जो डिविजन है। सबसे पहले स्पीशीज,
स्पीशीज क्या है, एंटायर ह्यूमन स्पीशीज रेजिस्टेंट टू प्लांट पैथोजन. स्पीशीज है हमारी पूरी प्रजाति, स्पीशीज का मतलब होता है प्रजाति. तो हमारी जो प्रजाति है, ठीक है, हम आदमी है, ठीक है, हमें कोई प्लांट, जो प्लांट को इन्फेक्शन, जो पेड़ पौधों को बीमारियां कर रहा है, वो हमें नहीं कर पाएगा, है ना. तो पूरी स्पीशीज हमारी, पूरी प्रजाति हमारी उस चीज से बची हुई है, तो बाय बर्थ ही है, ठीक है. कोई ऐसा तो नहीं है कि आपको लाइफ में एक्वायर करना पड़ा, नहीं. रेशियल हो गया आपकी रेस, ठीक है, आपकी जाति. लाइक जो नीग्रोज होते हैं, जो अफ्रीका के होते हैं लोग, ठीक है, या यूएसए के लगा लो, उनको कार्डियक बीमारियां ज्यादा होती है. जो ज्यादा ही सफेद लोग होते हैं, उन्हें कैंसर की ज्यादा बीमारियां हो सकती हैं. तो ये रेस पे भी फर्क होता है. पर्टिकुलर रेस सर्टेन इन्फेक्शंस को क्या होती है, रेजिस्टेंट होती है. जैसे कि नीग्रोइड स्पीशीज है कोई यूएसए की, उनको ज्यादा टीबी होता है देन द कोकाशियन स्पीशीज. कोकाशियन एक स्पीशीज है. दूसरी हमारी यहाँ पे कौन सा दूसरा रेस हमारे पास नीग्रोइड आ जाएगा, तो नीग्रोइड में ज्यादा टीबी देखा जाता है देन कोकाशियन. आप इसका एक अच्छा सा भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जो व्हाइट पीपल होते हैं, जो व्हाइट पीपल होते हैं यानी कि गोरे लोग होते हैं, उन्हें कैंसर का ज्यादा खतरा होता है, प्लस कार्डियक बीमारियां भी होती है देन इंडियंस, ठीक है. आप सिंपल ऐसे भी लिख सकते हो. फिर आता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल मतलब एक बंदे से दूसरे बंदे में भी फर्क होता है. कईयों को जुकाम जल्दी हो जाता है, कईयों को होता ही नहीं है, कई बीमार बहुत जल्दी पड़ते हैं, कईयों को नहीं होता. तो ये इननेट इम्यूनिटी है, इसमें आप कुछ नया नहीं कर रहे, ठीक है. अब क्या क्या फैक्टर्स, क्या क्या चीजें फर्क डालेंगी किस पे, इननेट इम्यूनिटी पे आपकी. सबसे पहले उम्र, ज्यादा बुजुर्ग ज्यादा जवान को इन्फेक्शन होने का खतरा है. देन मिड वाले, बच्चे का इम्यून सिस्टम ढंग से डेवलप नहीं हो रखा होता, बूढ़ों का खराब हो जाता है इम्यून सिस्टम, WBCs कम हो जाते हैं, उस वजह से बीमारियां लग जाती हैं, ये है. न्यूट्रिशन, खाना कैसे ले रहे हो आप, खाओ जी पिज्जा बर्गर, बाहर तले फूड खाओ, मजे से जंक फूड खाओ, मैकडोनल्ड्स जाओ, डोमिनोज जाओ, वो भी इम्यूनिटी को असर डालेंगे. हेल्दी डाइट, अच्छा खाना लोगे तो अच्छे से जियोगे. हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स का भी फर्क पड़ता है, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सर्टेन हॉर्मोन. जैसे कि इंसुलिन, भाई साहब है हमारे जो पैनक्रियाज निकालते हैं, इंसुलिन की कमी हो जाए तो ग्लूकोज उठ जाएगा, तो जिसकी वजह से डायबिटीज हो जाएगी, मधुमेह की बीमारी हो जाएगी. तो इनकी प्रेजेंस और एब्सेंस भी इननेट इम्यूनिटी को फर्क देती है, ठीक है. ये नेक्स्ट टॉपिक है जी हमारा वाटर पॉल्यूशन. वेरी सिंपल टॉपिक, इसमें कुछ इतना पढ़ने वाला है नहीं, खुद के दिमाग लगाओ क्या क्या चीजें हो सकती है. वाटर मतलब पानी, पॉल्यूशन मतलब गंदगी, पानी का पॉल्यूशन बेसिकली. पानी क्या है, बहुत ही अच्छा रिसोर्स है हमारे लिए, इसके बिना हमारी जिंदगी नहीं है, इसमें कुछ बताने वाला तो है नहीं, ठीक है. वाटर दिन ब दिन पॉल्यूटेड होता जा रहा है, हम केयरलेसली यूज कर रहे हैं. आजकल तो बहुत मुद्दे उठे हुए हैं वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन के. वाटर पॉल्यूशन क्या होता है, डिफाइंड एज प्रेजेंस ऑफ कोई भी तरह का सॉलिड पदार्थ, कोई भी तरह का लिक्विड तरल पदार्थ, कोई गैसियस पदार्थ जब हमारे पानी में होते हैं और पानी की क्वालिटी को गिराते हैं, उसे बोलते हैं वाटर पॉल्यूशन, ठीक है. और ये सब्सटेंसेस को क्या बोलेंगे, पॉल्यूटेंट्स बोलेंगे, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, पॉल्यूशन को कर रहे हैं, ठीक है. कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन किन किन कारणों से होता है, ठीक है, जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताओ कौन कौन से कारण हो सकते हैं पानी के पॉल्यूशन के, अपनी तरफ से सोच के जल्दी से चैट बॉक्स में लिखो फटाफट, क्या क्या कारण से वाटर पॉल्यूशन हो सकता है. कोई है या सारे सो गए. गंदगी से, कैसी गंदगी, किन किन चीजों से, क्या फेंक रहे हो ऐसा तुम पानी में. एसिड रेन, एसिड रेन से, अच्छा. और केमिकल इंडस्ट्री, वेरी गुड. मोर पॉपुलेशन, सॉलिड वेस्ट, वेरी गुड, ठीक है. तो यही हमारे कुछ कारण है. डोमेस्टिक वेस्ट, घर का कूड़ा कचरा उठा के पानी में फेंक रहे हो. सीवेज सिस्टम, नाली छोड़ रखी है पानी में, ठीक है. सॉलिड वेस्ट, वही है, सॉलिड वेस्ट फेंक रहे हो. इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्री से निकल रहा है गंद. एसिड रेन हो गई, ठीक है. एसिड रेन तो वैसे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होता है कि जो रेन होती है उसमें हमारा सल्फ्यूरिक एसिड मिल जाता है, जिसकी वजह से एसिड रेन होती है, तो वो भी पानी को खराब करती है. ऑयल इंडस्ट्री, लोग तहरीला पदार्थ छोड़ देते हैं, ठीक है, ऑयल वाले जो इंडस्ट्रीज होती है वहां पे. एक्वेटिक प्लांट्स, अगर जिसमें हमारे पास एल्गल ब्लूम आ जाता है. एल्गल ब्लूम क्या है, ये क्या करता है, पानी में बहुत ज्यादा एक जगह उग गया, फटाफट 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 अपनी बड़ी सारी कॉलोनी बना लेगा, बड़ी बड़ी, ठीक है. अब वो क्या है,
पानी में लाइट नहीं जाने देंगे जिससे नीचे के जो एक्वेटिक एनिमल्स है मछलियां वगैरह वो मर जाएंगी। ठीक है, सारा ऑक्सीजन पानी में से ले लेते हैं तो वाटर पॉल्यूशन ही कर रहे हैं ये भी, तो ये कारण है वाटर पॉल्यूशन के। अब इफेक्ट क्या पड़ रहा है हम पे, वही एक्वेटिक एनिमल मर रहे हैं जो पानी में रहते हैं जीव जंतु वो मर रहे हैं। रिवर हमारी डस्टबिन बन गई है कि उठाया सामान फेंक दिया। एक ये जल प्रवाह वाला सिस्टम भी बहुत चला हुआ है ना, घर की पूजा का सामान बहा आओ गंगा में, है ना, ये पानी की किल्लत हो रही है, कमी हो रही है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ रही है क्योंकि वही है जब ऑर्गेनिक मैटर जितना होगा, जैसे मैं एल्गल ब्लूम का एग्जांपल दे रही थी, तो वो सारा ऑक्सीजन ले लेते हैं अपने अंदर, तो उसकी वजह से ऑक्सीजन डिमांड पानी की बढ़ जाएगी। ठीक है, वो दिक्कत, वाटर बॉर्न डिसीजेस पानी से फैलने वाली बीमारियां ज्यादा हो जाएंगी, तो ये इफेक्ट्स हैं वाटर पॉल्यूशन के। अब कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, रोक कैसे सकते हैं, प्रॉपर कचरा वगैरह फेंकेंगे हम, अगर हर बंदा ढंग से कचरा फेंके ठीक है, और उससे वाटर पॉल्यूशन कम हो जाएगा। पर हम ये सोचते हैं कि हम क्यों करें जब सामने वाला नहीं कर रहा, हम आ रहे अकेले से क्या फर्क पड़ेगा, सबकी यही सोच है। स्ट्रिक्ट लॉज और एक्शन लो, वही है, गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट लॉज लेने चाहिए, जो भी गंदगी फैलाई उनको रूल्स होने चाहिए। ठीक है, ये आप अपनी सोच से भी लिख सकते हो, इसमें कुछ इतना रट्टे मारने वाला तो कुछ है नहीं इसमें। इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स इंडस्ट्रीज पे भी स्ट्रिक्ट होने चाहिए कि जो भी इफ्लुएंट्स है, जो भी उनका गंद वगैरह बाहर निकल रहा है, वो डायरेक्ट पानी में ना करें, उनके खिलाफ लॉज एंड रेगुलेशन होने चाहिए। ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन प्रिवेंशन, क्योंकि जो कचरा है वो ग्राउंड वाटर लेवल तक जा रहा है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करो, ऑर्गेनिकली फार्मिंग करो, लेस यूज करो फर्टिलाइजर वगैरह का, जो आप कीटनाशक वगैरह यूज करते हो केमिकल्स का, उसका कम यूज करो, क्योंकि वो सॉइल के थ्रू पानी में चला जाता है और ग्राउंड वाटर हमारा पॉल्यूट हो रहा है। ठीक है, और अच्छे से कचरा वगैरह है जो वो डिस्पोज ऑफ करो। तो ये तरीके हैं कुछ हमारे पानी के पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। अब है जी एयर पॉल्यूशन, हवा का पॉल्यूशन, एयर भी बहुत जरूरी है हमारे लिए, इसके बिना हम कुछ मिनटों मिनट भी नहीं रह सकते। ठीक है, ये हमारा फिजिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, मतलब हमारे आसपास सराउंडिंग में है हवा, है ना। हवा के कंपोजिशन की बात करें, नाइट्रोजन 78.1, रट्टा मारो 0.1 निकाल दो, 78 याद रख लो। ऑक्सीजन 20.9, इसको आप 21% भी याद रख सकते हो। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, इसको तो इतना ही याद रखना पड़ेगा। अदर्स में आ जाते हैं 0.07, जिसमें नोबल गैसेस, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, ये चीजें आ जाती हैं हमारी। अब एयर पॉल्यूशन क्या है, वही है जब गैसेस, लिक्विड या सॉलिड हमारे एयर में प्रेजेंट हो, कि वो एयर की क्वालिटी को खराब कर रहे हो, या हम उसमें सांस ले रहे हैं हम पे फर्क डाल रहे हो। ठीक है, या इसको बोल सकते हैं एटमोस्फेयर की ऐसी कंडीशन है जिसमें सर्टेन सब्सटेंसेस हमारे एयर में प्रेजेंट है जो कि अनडिजायरेबल, मतलब ना चाहा इफेक्ट हम पे डाल रहे हैं। ठीक है, एयर पॉल्यूटेंट जो कि पॉल्यूशन करेंगे एयर का, वो इधर एटमोस्फेयर में निकलेंगे या एटमोस्फेयर के अंदर ही बनते हैं। दो तरह से होते हैं, या तो हम जैसे मोटर व्हीकल वगैरह से छोड़ रहे हैं, ठीक है, चिमनी से छोड़ रहे हैं, या दूसरा तरीका हो गया कि एटमोस्फेयर में ही बन रहे हैं। अब मुझे जल्दी जल्दी बताओ किन किन चीजों से एयर पॉल्यूशन हो सकता है, जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में लिखो एयर पॉल्यूशन के क्या क्या कारण हो सकते हैं। साउंड, एयर पॉल्यूशन ही, वो नॉइस पॉल्यूशन आ गया। हाँ वेरी गुड, फैक्ट्री, फैक्ट्री से निकला हुआ धुआं और बस फैक्ट्री, ऑटोमोबाइल, वेरी गुड। हाँ, जो धुआं छोड़ते हैं, और व्हीकल से, केमिकल से, और ओके, फैक्ट्री, ऑटो, कार, वेल, कोई प्रकार के अपशिष्ट गैस, डोमेस्टिक सोर्स। चलो देख लेते हैं, सबसे पहला नंबर वही ऑटोमोबाइल, मोटर व्हीकल चलाते हैं, एयर पोल्यूशन होता है। हाइड्रोकार्बन निकालते हैं, जो पीछे से धुआं निकल रहा होता है, हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, लेड, नाइट्रोजन, ये सभी खतरनाक है। और इसके साथ साथ जो डीजल के इंजन है, जब उनको बहुत ही बुरी तरह यूज करते हैं, तो वो काला धुआं भी निकालते हैं, देखा होगा व्हीकल्स काला धुआं छोड़ते हुए जाते हैं। दूसरा हमारा इंडस्ट्रीज हो सकता है, इंडस्ट्री में क्या है, जो वो फ्यूल वगैरह है, वो फ्यूल से ठीक है, ईंधन वगैरह से हीट जनरेट करते हैं, पावर बनाते हैं, जिसकी वजह से देखा है फैक्ट्रियों के ऊपर वो चिमनी लगी होती है, धुआं निकलता ही रहता है उसमें से, स्मोक, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, फ्लाई ऐश, राख वगैरह, ये सब निकलती है।
पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज होती है जो पेट्रोल वगैरह बनाती हैं, ठीक है, वो हाइड्रोजन फ्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड खतरनाक एसिड से बाहर निकालती है, और काफी सारी वो इंडस्ट्रीज है कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड आप हार्मफुल गैसेस दो चार याद रखो सब में वही लिखाना, ठीक है, वो होता है। इंडस्ट्रीज डिस्चार्ज करती है अपने वेस्ट हाई चिमनी से हाई टेम्परेचर पे हाई स्पीड में जिसकी वजह से एयर पॉल्यूट हो रही है। डोमेस्टिक सोर्स क्या है, घर पे कोयला जलाते हैं लकड़ी जलाते हैं ऑयल सड़ाते हैं तो वो उससे स्मोक डस्ट सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है। टबैको स्मोक सिगरेट स्मोकिंग, ठीक है, मोस्ट डायरेक्ट और सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स एयर पॉल्यूशन का क्या है, धूम्रपान जो कि लोग करते हैं, ठीक है। और इवन की जितना जो सिगरेट पी रहा है उसको तो इफेक्ट करेगा करेगा, जो उसके आसपास खड़े हैं वो भी पैसिव स्मोकर बन जाते हैं, उनके अंदर भी जाता है वो, ठीक है। ये बाकी अगर कचरा जला रहे हो इंसिनरेशन कर रहे हो, ठीक है, पेस्टिसाइड छिड़क रहे हो कीटनाशक छिड़क रहे हो वो हवा में जाता है, ठीक है, स्प्रे करते हो जब उससे नेचुरल सोर्सेस फंगी बैक्टीरिया ये भी गैसेस निकालते हैं तो ये सारी चीजों से एयर पॉल्यूशन होता है। अब आ गया जी नॉइज पॉल्यूशन, नॉइज हो गया साउंड हो गया वही अनवांटेड होती है, मतलब साउंड आवाज जो कि अनवांटेड हो जिसे हम ना चाहते हो, ठीक है, और एक की क्वालिटी की लाइफ खराब कर रहा है तो उसे बोलते हैं नॉइस पोल्यूशन बोला जाता है, शोर बोला जाता है उसे, ठीक है, जब बहुत ही ज्यादा नॉइस होता है एनवायरमेंट में आवाजें होती है तो नॉइस पोल्यूशन बोला जाता है। साउंड कब हमारी नॉर्मल एक्टिविटी को खराब करेगी, जब हमें काम नहीं करने देगी, बड़ी तेज आवाज आ रही है किसी के घर कंस्ट्रक्शन चल रही है घर बन रहा है किसी का आवाज नहीं आएगी हमें, ठीक है, और हमें नींद आने देगा, ठीक है, कहीं पे जागरण हो रहे हैं, ठीक है, लाउड स्पीकर लगे हुए हैं वो दिक्कतें हैं सारी, ठीक है। अब मुझे बताओ कहाँ कहाँ से साउंड पोल्यूशन आएगा, जल्दी जल्दी बताओ। नॉइस पोल्यूशन कंस्ट्रक्शन, वेरी गुड, और डीजे, हाँ बिल्कुल डीजे वाले बड़े हैं, अच्छा, और बस डीजे, एरोप्लेन्स, वेरी गुड, और रेडियो डीजे, बस डीजे हो गया, कितना डीजे बजाना है, मंदिर में घंटे, रेल रोड, हेलीकॉप्टर, ट्रेन साउंड, अच्छा चलो अब देखते हैं कहाँ कहाँ से आता है। स्ट्रीट ट्रैफिक, हॉर्न पे हॉर्न मारते हो गलियों में से निकलते हुए, वही है। रेल रोड आती है बस, एरोप्लेन्स, कंस्ट्रक्शन, इंडस्ट्रियों में शोर आता है मशीनरीज का, लाउड स्पीकर लगे होते हैं, फायर क्रैकर्स लगे होते हैं, पटाखे पटुखे बजाते हैं जो, उससे भी दिवाली पे कितना शोर होता है बंदा सो ही नहीं पाता, ठीक है, तो ये सोर्सेज है यहाँ यहाँ से आता है। अब मेजरमेंट ऑफ नॉइस लेवल, ये पूछा जाता है एमसीक्यू में, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। मेजरमेंट ऑफ नॉइस लेवल, नॉइस का जो लेवल होता है उसे कैसे मेजर करते हैं, तो उसकी यूनिट होती है डेसिबल, डीबी लिखते हैं उसको, डेसिबल है स्टैंडर्ड यूनिट जिससे आवाज को मेजर करते हैं। नॉइस पॉल्यूशन कब होगा, जब 80 डीबी से ज्यादा आवाज होगी। नॉर्मली हम आपस में जैसे हम लोग बात कर रहे हैं 60 डीबी का साउंड होता है, क्वाइट ऑफिस बिल्कुल शांत है ऑफिस 40 डीबी तक होगा, विस्पर हो गया ऐसे बात करते हैं तो वो 20 डीबी तक होगा, तो ये मेजरमेंट है नॉइस लेवल के। अब क्या क्या कर सकते हैं हम, हाँ मैं तुम लोगों से जानना चाहती हूँ क्या क्या कर सकते हैं नॉइस पोल्यूशन कम करने के लिए, ये सब तो पता ही होगा आप लोगों को, क्या क्या कर सकते हैं जल्दी जल्दी, कुछ नहीं कर सकते, तुम बताओ कुछ नहीं कर सकते, क्या लिख के आने पेपर में, क्या करके आते हो, सॉल्यूशन क्या है नॉइस के लिए, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ, ठीक है, झाड़ियां उगाओ जिसकी वजह से साउंड जो है वो नॉइस नहीं बनती, इससे नॉइस पोल्यूशन बच जाता है, ठीक है। रेगुलर अपने जो ऑटोमोबाइल है, जो तुम गाड़ियां वगैरह चला रहे हो स्कूटर चला रहे हो उसकी सर्विस कराओ, अपना जो ऑटोमोबाइल है वो बंद कर दो, जैसे लाल लाइट आ जाती है रेड लाइट हो जाती है तो बंद कर दो इंजन, ठीक है। बिल्डिंग्स को ऐसा बनाओ कि वो नॉइस एब्जॉर्ब मटेरियल हो उनका, कि ज्यादा अंदर शोर ना आए, नॉइस प्रूफिंग करा देते हैं ना वैसे वैसे। वर्कर्स को इक्विपमेंट दो, जैसे कि अगर कोई इंडस्ट्री में बहुत ही तेज है मशीनों की आवाज तो जो वहां पे वर्कर काम कर रहे हैं उन्हें ईयर प्लग दो, ईयर मफ्स दो, ताकि हियरिंग की प्रोटेक्शन मिल सके उन्हें। सिमिलर टू ऑटोमोबाइल, जैसे गाड़ियों का करते हैं, अपनी मशीनरी को भी तेल डालो कि आवाज ना ज्यादा करे, सर्विसिंग कराओ,
ठीक है, साउंड प्रूफ दरवाजे लगाओ, खिड़कियां लगाओ, ठीक है, और स्ट्रिक्ट हम एक्शन ले सकते हैं अगर भीड़ क्राउडेड एरिया में लाउड स्पीकर है, पब्लिक प्लेसेस पे लाउड स्पीकर है तो उन पे स्ट्रिक्ट एक्शंस ले सकते हैं. फैक्ट्रीज को घरों से दूर बनाओ, खाली एरिया में फैक्ट्रीज बनाओ, और सोशल अवेयरनेस रखो इस पर्पस के लिए, क्योंकि नॉइस पोल्यूशन अभी तक इतना कंसीडर नहीं करा जाता पॉल्यूशन की कैटेगरी में. डीजे चल रहा होगा, आप लोग भी मस्त सुन रहे होंगे, बट इट इज अ नॉइस पोल्यूशन, ठीक है. ये अब है एनवायरमेंटल पोल्यूशन ड्यू टू फार्मास्यूटिकल्स. अब ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए. एनवायरमेंटल पोल्यूशन ड्यू टू फार्मास्यूटिकल्स मतलब आपके फार्मेसी के सामान से जब आप एनवायरमेंट में गंदगी कर रहे हो तो वो हो गया एनवायरमेंटल पोल्यूशन ड्यू टू फार्मास्यूटिकल्स. उसे बोलते हैं ड्रग पॉल्यूशन या फार्मास्यूटिकल पॉल्यूशन बोलते हैं. ये वो पॉल्यूशन होता है, वो गंदगी है, स्पेशली बाय द फार्मास्यूटिकल दवाइयों से होती है, ड्रग्स से होती है, उनके सब्सटेंसेस से होती है, जो कि मरीन एनवायरमेंट में पहुंच जाते हैं. मरीन मतलब समुन्दर के सतह पर पहुंच जाते हैं, जैसे यहाँ कोई भी पानी का रिलेटेड हमारा लेवल है, जैसे ग्राउंड वाटर, नीचे जो ग्राउंड के नीचे पानी है उसके लिए, ठीक है, और लेक्स हो गया, ठीक है, समुन्दर हो गया, वहां पे थ्रू द वेस्ट वाटर, वेस्ट वाटर नाली वाले पानी से पहुंच गया, कैसे भी करके जब ये ड्रग्स मेडिकेशन पानी में जाती है तो दिक्कत आ जाती है. तो हेंस हम कह सकते हैं ड्रग पॉल्यूशन भी एक काइंड ऑफ वाटर पॉल्यूशन की कैटेगरी में, क्योंकि हो तो अल्टीमेटली गंदगी में कौन जा रहा है, पानी ही गंदा हो रहा है ना, तो इसलिए ड्रग पॉल्यूशन को कभी कभी एक प्रकार बता देते हैं वाटर पॉल्यूशन का, ठीक है. अब ड्रग पॉल्यूशन कैसे होगा? Most such pollution comes simply from the drugs having been cleared or excreted in the urine. अब patient है, दवाइयां खा रहे हैं, उनके urine में कुछ ना कुछ तो निकलेगा, उसका metabolite ही निकले जाए, है ना, तो वो pollution जब वो urine करता है, flush out करेगा, वो नाली के through जाएगा कहीं ना कहीं, तो वो मिलेगा ही पानी में. वो केमिकल्स ऑल्सो गेट इन टू द वॉटर फ्रॉम द ड्रग्स वी यूज, मोस्ट ऑफ देम इज एक्सक्रीटेड इन टू वेस्ट. जो केमिकल्स है वो वेस्ट फीसीज वगैरह में भी निकल जाते हैं, वो भी है, ठीक है. हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस हैं जो हमारे हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स, ये सारे वो भी ड्रग वाटर पोल्यूशन करते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल्स में लेस प्रॉब्लमैटिक है, क्योंकि उनके पास फार्मेसीज होती हैं और उनकी पॉलिसीज होती हैं अनयूज ड्रग की. लेकिन जैसे कोई छोटा नर्सिंग होम है, उसके पास ये फैसिलिटीज नहीं है, तो अगर एक्सपायरी हो जाए या एक्स्ट्रा कुछ बच जाए तो वो फ्लश डाउन कर देते हैं, उन मेडिकेशन को फ्लश कर देते हैं, तो जिसकी वजह से वाटर पॉल्यूशन होगा. अदर सोर्सेज में एग्रीकल्चरल रन ऑफ, एग्रीकल्चर जो पेस्टिसाइड्स वगैरह हम यूज कर रहे हैं, या जो लाइव स्टॉक है, जो भेड़े वगैरह है, उनको एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, तो उस वजह से भी हो रहा है. और फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे जब आप वो ड्रग बना रहे हो तो उसका जो वेस्ट निकलेगा वो भी पानी में ही जाएगा, तो उससे भी हो सकता है. तो ये कुछ कॉजेज है ड्रग पॉल्यूशन के. अब क्या सॉल्यूशन है इसका? लिमिट बल्क परचेज, ज्यादा थोक में स्टोर ना करके रखो, क्योंकि अगर बल्क में लेते हो तो आपको प्राइस अच्छा दे देंगे, वो डिस्काउंट मिल जाते हैं, लेकिन एंड अगर नहीं बिकती वो चीज फिर वो पोल्यूशन करेगी. तो जब तक जरूरी नहीं है तब तक बल्क में मत खरीदो. ज्यादा पोर ना करो, फ्लश डाउन ना करो, ठीक है, फ्लश ना करो जो मेडिकेशन यूज नहीं हुई. ड्रग का अच्छे से डिस्पोजल करो, स्ट्रिक्ट रेगुलेशन लो ड्रग की हैंडलिंग पे, और लोगों में एजुकेशन और अवेयरनेस फैलाओ कि ऐसा भी किसी तरह का पॉल्यूशन होता है, ठीक है. तो ये इसके सॉल्यूशन है. नेक्स्ट टॉपिक है आपका अल्कोहल, शराब, ठीक है. यूज ऑफ अल्कोहलिक बेवरेजेस टू एक्सेस, अगर आप अल्कोहल बेवरेजेस मतलब जिसमें अल्कोहल होता है, ठीक है, पीने वाली चीजों में, वो आप ज्यादा अमाउंट में ले रहे हो, इधर और इंडिविजुअल ओकेजन नहीं होता, कभी कभी पीता हूं यार मैं तो, कोई नहीं, वो भी, और एज अ रेगुलर, और रेगुलर पी रहे हो, तो उसे अल्कोहल अब्यूज बोला जाता है. क्या बोला जाता है? अल्कोहल अब्यूज, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म. मोस्ट अल्कोहलिक ड्रिंक्स में अल्कोहल है ना, ओल आ गया, इथेनॉल होता है, ठीक है, जो कि रैपिडली एब्जॉर्ब हो जाता है स्टमक के थ्रू और फिर लीवर में मेटाबोलाइज होके इथेनॉल बन जाता है. क्या बन जाता है? इथेनॉल. इथेनॉल होता है जो कि लीवर से मेटाबोलाइज होके चेंज होके कन्वर्ट होके इथेनॉल बन जाता है, ठीक है. अब शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं शराब पीने के? हेपेटाइटिस, हेपेट मतलब लीवर, आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन, लीवर की इन्फ्लामेशन, स्लरिंग ऑफ स्पीच, लड़खड़ा के जबान से शब्द निकलेंगे आपके, ड्राउजीनेस, नींद में रहोगे, स्लीप डिस्ट्रप्शन, नींद नहीं आती कईयों को, लीवर फैटी हो जाएगा मतलब जो फैट है वो आपके लीवर में बैठ जाएगा जाके, ठीक है, और आपका बॉडी टेम्परेचर ठंडी पड़ी रहेगी आपका शरीर, ठीक है. ये शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स है. लेकिन लंबे टाइम के इफेक्ट्स क्या है? आपके ब्रेन सेल्स मरने शुरू हो जाएंगे जिसकी वजह से ब्रेन के डिसऑर्डर हो जाएंगे, ठीक है, और आप मेंटली फिजिकली काम नहीं कर पाओगे. सिरोसिस ऑफ लीवर, लीवर हार्ड हो जाएगा, लीवर में स्कारिंग हो जाएगी, लीवर
फेलियर की तरफ मूव करने लग जाएगा। पेनक्रियाटाइटिस, पेनक्रियास की आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन हो जाएगी। लीवर कैंसर हो सकता है, ठीक है। डैमेज नर्वस ट्रांसमिशन, जो नर्व्स की ट्रांसमिशन है वो ढंग से नहीं होगी, जिसकी वजह से याद नहीं रहेगा कुछ, आप जज नहीं कर पाओगे चीजों को और आपको चीजें समझ नहीं आएंगी, ठीक है। तो इसलिए शराब नहीं पीनी चाहिए। क्या करेंगे, डिटॉक्सिफिकेशन, नशा मुक्ति केंद्र में भेजो, काउंसलिंग करो उनकी। डाइसुल्फिराम, नाइट्रेक्सोन, एकाम्प्रोस्टेट, ये हम ड्रग्स दे सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, इनके नाम याद होने चाहिए आपको, जिसको हम डिटॉक्सिफिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं या एल्कोहल अब्यूज के लिए हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था एल्कोहल। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। अगर आप लोगों को डाउट है कुछ भी तो अब आप पूछ सकते हैं। डाउट है किसी को कुछ? मुझे आज आवाज नहीं आ रही किसी की भी। हाँ जी, हम मैम बोल रहे हैं कि जो आप अभी तक पढ़ाए हैं वो इम्पोर्टेंट सब। हाँ जी, इन पे आपको शॉर्ट नोट्स आ जाते हैं लिखने। एल्कोहल अब्यूज पे लिखो तो आप कुछ तो लिखोगे कि शॉर्ट टर्म इफेक्ट, लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या है, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। मैम हम देख रहे हैं जितना भी उदित फार्मेसी में दिया हुआ था पीडीएफ में नोट्स, हाँ जी, तो टोटल में देख रहे हैं कि आप अलग अलग मतलब छाट दे रही हैं उसमें से, तो इम्पोर्टेंट उसी को आप पढ़ा रही है, यही ना? हाँ जी, और किसी को डाउट है कुछ? हाँ जी बोलो। हेलो मैम, जैसे 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो उसको कितने पेज में डिफाइन करना पड़ेगा? 5 नंबर का अगर क्वेश्चन आता है तो मिनिमम आपको 1.5-2 पेज लिखने पड़ेंगे उसके लिए। मैम अगर 2-3 नंबर का जो शॉर्ट क्वेश्चन है तो उसके लिए 1 पेज में हो जाएगा? फिर 1 पेज में हो जाएगा उसके लिए। ऐसे आप याद रखो ना इस चीज को, जितने नंबर का क्वेश्चन आता है उसे आधे पेज भरने की कोशिश करो, हो सके तो, या उससे आधा और कम कर दो, इतना आप एवरेज लेके चलो। ओके, और किसी को कोई डाउट है? हाँ जी, प्रवेश गौतम। हेलो। हाँ जी, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम, अभी आपने थोड़ी देर पहले कि वो जो माता जी वाली आपने बताया था, कौन सी जो बॉडी में माता निकल आती है, आपने बताया था कि मतलब एक बार हो जाती है दोबारा नहीं होता है। हाँ जी, ऐसा किस कंडीशन में होता है ये समझ नहीं आया मुझे। एक्चुअली क्या होता है, कुछ इन्फेक्शन बॉडी में ऐसे होती है, मैं एग्जाम्पल दे रही थी, जो की दोबारा लाइफ टाइम एक बारी हो जाए तो दोबारा नहीं होती है, ठीक है। ऐसे ही जो चिकन पॉक्स का या माता निकलने का जो केस है, 50% लोगों में या 50 से ज्यादा ही इवन, एक बारी जिंदगी में हो जाए तो दोबारा नहीं होता, ठीक है, क्यों? हाँ, तो इसका रीजन ये है कि जो वायरस है वो हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं वो उसको पहचान लेते हैं, ठीक है, तो वो उसकी एक मेमोरी क्रिएट कर लेते हैं। जैसे होता है ना, हमें पता है कोई इंसान आ जाए, हमें नहीं पसंद उसकी, तो हम उसकी शक्ल याद कर लेते हैं कि अच्छा ये बंदा है, आगे से मैं इसकी बात नहीं सुनूंगा। तो सेम बिल्कुल वैसे ही है, दोबारा से अगर वो कोशिश करता है वायरस बॉडी में आने के, तो हमारी बॉडी उसको अलाउ नहीं करती है, क्योंकि हमारी बॉडी में अब उसके लिए मेमोरी है, अब उसके लिए एंटीबॉडी सेल्स है, उसके खिलाफ वो काम करेंगे, उसको अब कुछ नहीं करने देंगे, ठीक है। बाकी कईयों की इम्यूनिटी कम होती है तो उस वजह से रिलैप्स हो जाते हैं, दोबारा से इन्फेक्शन हो जाती है, अदरवाइज मेजॉरिटी केसेस में एक बार ही हो जाए तो दोबारा नहीं होता। बट मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरे यहाँ मेरे भैया का लड़का है, हाँ जी, तो उसको जो है दोबारा हुआ था, लेकिन बहुत सिम्टम्स बहुत कम दिखे थे, फर्स्ट टाइम में सिम्टम्स ज्यादा थे और सेकेंड टाइम में जो है बहुत कम सिम्टम्स थे। हाँ, तो वही है ना कि अब उसकी बॉडी में मेमोरी बन गई है उस चीज की, उसकी बॉडी ने फाइट लड़ाई करने की कोशिश करी है उनसे, बट इम्यूनिटी वीक होगी या कुछ भी कारण रहा होगा, उस वजह से उसको हो गए, लेकिन अब सिम्टम्स कम थे क्योंकि बॉडी के पास कुछ सेल्स एक्स्ट्रा थे उसके खिलाफ लड़ने के लिए, ठीक है, तो ये रीजन होता है।
थैंक यू मैम। और किसी को कोई डाउट? करें फिर क्लास एंड। हाँ जी, हाँ मैम नमस्ते। हाँ जी नमस्ते मैम। चिकन पॉक्स में कोई मेडिसिन दे सकते हैं? चिकन पॉक्स में हम चिकन पॉक्स पढ़ रहे थे। मैम छोटी माता जो बड़ी माता निकलती है उसमें कोई मेडिसिन हम दे सकते हैं पेशेंट को? पेशेंट को वो तो डिपेंड करेगा ना कंडीशन पे, अगर डॉक्टर क्या लिखता है उसको। तभी सिम्टम्स के बेसिस पे होता है ये ना वैसे चीज ना। जैसे हम एसाइक्लोविर दे देते हैं कईयों को, ठीक है, जो भी रैक्स दे देते हैं कईयों को दे देते हैं, तो वो डिपेंड करता है सिम्टम टू सिम्टम। मैम सिलेबस बदल गया है क्या डी फार्मा फर्स्ट ईयर? डी फार्मा फर्स्ट ईयर का हाँ सिलेबस चेंज हो गया, जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग डी फार्मा की सारी क्लासेस ली जा रही है अब, और आपको पेपर भी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आएगा। मैम किस बुक से पढ़ना पड़ेगा? बुक से हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर ही रहे हैं, वही इनफ है। या ये इम्पोर्टेंट क्लासेस जो भी लाइव क्लासेस चल रही हैं ये आपने देख लिया तो बुक्स की जरूरत ही नहीं है। बस आप यहीं से जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है नोट्स बना लीजिए, बार बार रिवाइज करें, बहुत है। ठीक है मैम, थैंक यू। डाउट है किसी को कुछ? नहीं तो क्लास एंड करें। हाँ जी बच्चे, हेलो हेलो। हाँ जी पूछ रहे हैं कि सॉलिड एक्टिव ऑफ ड्रग्स अब्यूज जो होता है सुसाइड के बारे में, तो सब इंपॉर्टेंट है क्या? सुसाइड फैक्टर हो वो क्या? इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अदरवाइज आप ऊपर से रीडिंग कर लो, इतना कुछ नहीं है उसमें। इतना सुसाइड इम्पोर्टेंट है, एल्कोहल अब्यूज ज्यादा इम्पोर्टेंट था, वो करा दिया मैंने। ओके ओके अगला। हेलो हेलो, चलो क्लास को एंड करते हैं, बाकी आपके जो भी डाउट है वो कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। मिलते हैं कल नेक्स्ट चैप्टर के साथ, चैप्टर 3 के साथ। सो बाय बाय, गुड आफ्टरनून अगेन।